हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू शिक्षा एंड दिस इज़ माय चैनल गाइस। तो जो लोग मुझे एग्रीकल्चर के अंदर फॉलो कर रहे थे, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आई एम टीचिंग। ऑलराइट, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हम यहाँ पर शुरू करेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर। अभी फ़िलहाल के लिए आई हैव डिसाइडेड कि लेक्चर्स आपके लिए डालेंगे। तो एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स, बहुत ज़्यादा बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि सर एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स, क्योंकि जो आपका IBPS AFO है या नबार्ड ग्रेड है, उसके अंदर एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं करंट अफेयर्स में से। सो डिटेल्ड MCQ की फॉर्म में हम यहाँ पर करेंगे। और स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रैटेजी वही रहेगी कि हम यहाँ पर कोई बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं डालने वाले हैं, दो दो घंटे के, चार चार घंटे के, छोटे छोटे लेक्चर्स बनाएंगे, मल्टीपल लेक्चर्स, इसीलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल रहा हूँ। ठीक है, 10-10 MCQs को हम लेकर के आएंगे आपके सामने। ठीक है, और 10-10 MCQs डिस्कस करेंगे, 10-15 मिनट, 20 मिनट का मैक्सिमम वीडियो रहेगा, और पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, पूरे का पूरा प्लेलिस्ट एक क्रिएट हो जाएगा एंड आप उसको अकॉर्डिंगली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हो। रिक्वायरमेंट एक है दोस्तों, सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियोज़ को शेयर जरूर करना है। ठीक है, अल्टीमेटली यू नो द रीजन्स बिहाइंड दैट। ओके, सो डिटेल्ड MCQs रहेंगे एंड दिस आर फ्रॉम जनवरी 2022 से हम शुरू कर रहे हैं। पार्ट वन है, फ्री PDF आपको टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे पहला सवाल, इंडिया एक्सपोर्ट करता है 80% से ज़्यादा इसका हनी। हमारा जो जितना हम हनी एक्सपोर्ट करते हैं, उससे 80% से ज़्यादा एक्सपोर्ट एक सिंगल कंट्री पे जाता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैं 100 किलो शहद को एक्सपोर्ट करता हूँ साल में, तो 100 में से 80 से ज़्यादा किलो सिर्फ एक देश के अंदर जा रहा है, और वो कौन सा देश है? चाइना, US, यूरोप, सऊदी और नन ऑफ दी अबव। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और बेसिकली यहाँ पर जो हम एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं ना, जो हमारा मेन सोर्स है वो है PIB, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वहाँ से हम मेनली हमारे करंट अफेयर्स को जो है डिस्कस कर रहे हैं। एंड द राइट आंसर गाइज ओवर हेयर इज USA। तो 80% से हमारा जो हनी का एक्सपोर्ट हो रहा है वो किस देश को जा रहा है? US को जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, न्यूज़ में डिस्कस करूंगा अभी डिटेल में, क्योंकि कुछ दो तीन चार क्वेश्चन जो हैं वो एक सिंगल न्यूज़ के अंदर से निकल करके आए हैं। तो एक बार हम इन सारे क्वेश्चन को देख लें, फिर वो न्यूज़ भी डिस्कस हो जाएगी। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट हनी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है? प्रोडक्शन के अंदर इंडिया का रैंक क्या है? व्हाट विल बी द आंसर? बेटा वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझ करके, आंसर खुद से दे करके फिर करने की कोशिश करोगे, तो एक आइडिया लग जाएगा कि कितना आपको आता है ऑलरेडी। अगर ऐसा है कि नहीं, बिल्कुल ही नया कुछ सुनने को मिल रहा है कि पहले हमने तो सुना भी नहीं इसके बारे में, फिर वो एक अलग बात है। सो व्हाट इज द राइट आंसर ओवर हेयर? 8th, हमारा प्रोडक्शन के अंदर 8th रैंक है, दुनिया में 8वें सबसे बड़े प्रोड्यूसर हनी के हम लोग हैं। और एक्सपोर्ट में अपना क्या रैंक आता है? व्हाट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर? ठीक है, कितने रैंक पे आते हैं हम एक्सपोर्टर की कैटेगरी में? सो हेयर द आंसर विल चेंज, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 9th। तो हम 8वें सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, प्रोडक्शन के मामले में हमारा रैंक 8th है, और जो हमारा एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट के मामले में हम 9th है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने कितना पैसा एलोकेट किया है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, NBHM? ये एक नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, जो बेसिकली बी कीपिंग और हनी प्रोडक्शन की डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट है। 3 सालों के लिए ये प्रोजेक्ट चलेगा, 2020-21 से लेकर के 2022-23 तक। तो इसको कितना पैसा दिया गया है? ये एज अ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव अनाउंस किया गया था फरवरी 2021 के अंदर। कितना पैसा? 100 करोड़, 200, 300 करोड़, 400 करोड़ और 500 करोड़। अगर स्कीम के बारे में पढ़ा हुआ है तभी इसका आंसर कर सकते हो, तुक्केबाजी से कुछ भी नहीं चलेगा। सो द राइट आंसर ओवर हेयर विल बी ऑप्शन ई, 500 करोड़। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन को 3 सालों के लिए कितना पैसा दिया गया है? 500 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया है। ठीक है, अब न्यूज़ क्या थी? 5 जनवरी 2022 की न्यूज़ है, PIB के अंदर जो आई थी। अपेडा वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, फार्मर्स एंड अदर्स टू बूस्ट हनी एक्सपोर्ट्स। ठीक है, और अपेटा ने फार्मर्स को सपोर्ट किया कि नई मार्केट्स को भी एक्सप्लोर करें। अभी हम सिर्फ 80% से ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट जो है वो US को जा रहा है, तो सिंगल मार्केट के ऊपर हम डिपेंडेंट है। अब पॉइंट्स देख लेते हैं इस न्यूज़ के अंदर हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इंडियाज नेचुरल हनी एक्सपोर्ट्स आर मेजरली डिपेंडेंट ऑन वन मार्केट, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, 80% से ज़्यादा, जो आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, ये डाटा एज सच अगर आप नबार्ड ग्रेड ए का पेपर देने जा रहे हो, जिसके अंदर आपका सब्जेक्टिव एलिमेंट भी है, वहाँ पर तो ये पॉइंट यूज़ हो जाएगा, IBPS AFO के अंदर किसी काम का नहीं है। इंडिया ने अराउंड 59,999 मेट्रिक टन नेचुरल हनी
जिसकी वैल्यू अराउंड 716 करोड़ है, 2020-21 में एक्सपोर्ट किया था, ठीक है। और इसमें भी जो मेजर शेयर था वो बेटा यूएस का ही था। 21-22 के अंदर एक्सपोर्ट नहीं हुए क्योंकि कोविड चल रहा था और कोविड के चलते हुए टेस्टिंग वगैरह नहीं कर पा रहे था यूएस, तो इसी वजह से यूएस ने खरीदारी नहीं की थी। यूएस के अलावा हम किसको एक्सपोर्ट करते हैं? सऊदी, यूएई, बांग्लादेश, कनाडा, ये यूएस के अलावा बड़ी डेस्टिनेशन है जहाँ पर इंडिया का बाकी का एक्सपोर्ट जाता है हनी का, ठीक है। इंडिया ने पहली बार अपना हनी का ऑर्गेनाइज्ड एक्सपोर्ट जो है 1996-97 के अंदर शुरू किया था। वर्ल्ड हनी, जो टोटल वर्ल्ड हनी एक्सपोर्ट होता है 2020 में, इट वाज अराउंड दिस मच, बट कोई पेपर में पूछने वाला नहीं है। लेकिन अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि इस टाइम पर इंडिया जो है 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और 9th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है वर्ल्ड के अंदर बनता है, जिसके ऊपर आपके दो क्वेश्चंस मैंने फॉर्म किए थे, ठीक है। हमारा जो वर्ल्ड हनी प्रोडक्शन था 2019 का टोटल जो था वो इतना था, कोई पूछने नहीं वाला है। लेकिन जो आपका हनी प्रोडक्शन होता है ना, इसके अंदर आपके सारे सोर्सेज आ जाते हैं। नेक्टर सोर्सेज भी हो गए, एग्रीकल्चर प्लांट्स भी हो गए, वाइल्ड फ्लावर्स भी हो गए, फॉरेस्ट ट्रीज भी हो गए, सबको कंसीडर किया जाता है। हनी प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा आगे कौन है बेटा? नंबर एक पे आता है चाइना, चाइना के बाद टर्की, कैनेडा, अर्जेंटीना, ईरान, यूएस, तो ये टॉप 6 हैं। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि टॉप हनी प्रोड्यूसर कौन है, तो वो है चाइना है। और ये 6 देश पूरी दुनिया की 50% शहद सिर्फ ये 6 देश प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चाइना, टर्की, कनाडा, अर्जेंटीना, इंडिया एंड यूएस। इसके अंदर मैं एक और क्वेश्चन फॉर्म कर सकता था, दैट विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हनी। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी टर्की, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ईरान, ऑप्शन ई यूएस। तो आंसर आपका क्या हो जाता? चाइना हो जाता। चलिए जी, अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया और महाराष्ट्र, ये की एरियाज हैं नेचुरल हनी प्रोडक्शन के कंट्री के अंदर। और हमारे यहाँ पर जितना शहद प्रोड्यूस होता है ना, उसका कम से कम 50% तो हमारा डोमेस्टिकली कंजम्पशन हो जाता है, बाकी का हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन हनी के एक्सपोर्ट में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और स्पेशली कोविड-19 के बाद से डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हनी को एक अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर कंसिडर किया जाता है और शुगर का एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव इसको कंसिडर किया जाता है। तो इस डिमांड को पूरा करने के अंदर अब इंडिया कह रहा है कि चलो घुसते हैं, ताकि अपना भी कुछ पैसा कमाएं हम, ठीक है। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलोकेटेड 500 करोड़ रुपीज फॉर नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, जो आपका क्वेश्चन था, 3 सालों के लिए 2020-21 से 2022-23 तक, जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का पार्ट है, ओके। तो बेसिकली ये क्या काम करेगा? ओवरऑल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट का काम करेगा, कैसे साइंटिफिक वे में बी कीपिंग की जा सकती है कंट्री के अंदर। जो प्रधानमंत्री का स्वीट रेवोल्यूशन या मीठी क्रांति का जो प्राइम मिनिस्टर का सजेशन है, उसके उसके गोल को कैसे अचीव किया जा सकता है, और इस मिशन को जो आपका नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन है, इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? इसको इंप्लीमेंट कर रहा है आपका नेशनल बी बोर्ड, ठीक है। और देयर इज अ बजट ऑफ 170 करोड़ रुपीज फॉर द मिनी मिशन। ये स्वीट रेवोल्यूशन के लिए 170 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांड अमृत फल, अ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ब्रांड लॉन्च्ड अंडर द PMFME स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इज फ्रॉम। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि कैसे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो अमृत फल ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट है? एंड द राइट आंसर ओवर हियर इज गुरुग्राम। तो अभी ना 6 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो अनाउंस करे थे PMFME स्कीम के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने। ये जनवरी 5 की न्यूज है 2022 की, ठीक है। तो कौन से प्रोडक्ट्स थे? ब्रांड अमृत फल। अब मैं आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूं इस लेक्चर में, PMFME स्कीम को पढ़ करके आना, ठीक है। PMFME स्कीम को पढ़ करके आना, पढ़ करके आओगे, ठीक है, ठीक है। सो ब्रांड अमृत फल, आंवला जूस का ये एक ब्रांड है जिसको डेवलप किया गया है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। ठीक है, चलिए। तो ब्रांड अमृत फल हो गया, इसके अंदर बेसिकली ये प्योर आंवला जूस है और एडिड लेमन है, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि कहाँ से आया है और एक मेन इंग्रेडिएंट क्या है, आंवला जूस, ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना है। फिर कॉरी गोल्ड, ये कॉरिएंडर पाउडर से इसको डेवलप किया गया है, और कोटा राजस्थान,
ओके, तो बेसिकली फ्लेवरिंग प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका ब्रांड कश्मीरी मंत्रा। बेसिकली स्पाइसेस हैं, स्पेशली जो कुलगाम एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, कश्मीरी लाल मिर्च इसके अंदर जो है प्रमोट की जाएगी। ब्रांड मधु मंत्रा, ये बेसिकली हनी का प्रोडक्ट है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। उसके बाद होल व्हीट कुकीज़, बेसिकली दिल्ली बेक्स की ये कुकीज़ हैं, ओके, विच हैव बीन डेवलप्ड बाय द कंपनी कॉल्ड दिल्ली बेक्स। ओके, ब्रांड सोमदाना हैज बीन डेवलप्ड अंडर ODOP कंसेप्ट ऑफ माइलेट्स। बेसिकली माइलेट से इसको डेवलप किया गया है थाने महाराष्ट्र में। ये बेसिकली एक टाइप का आटा है और विच इज़ कंसिडर्ड टू बी ग्लूटेन फ्री, आयरन के अंदर रिच होगा, फाइबर के अंदर रिच होगा और कैल्शियम के अंदर रिच होगा। ठीक है जी, तो ये यार, और होमवर्क के अंदर क्या पढ़ करके आना है, PMFME स्कीम को, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, न्यूज़ थी वो, न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन क्योंकि इस इंस्टीट्यूट की लोकेशन वहां पर डिस्कस थी तो मैंने इसको क्वेश्चन बना करके डाल दिया। सो ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? दिस वन इज लोकेटेड इन ऑप्शन बी कोयम्बटोर, कोयम्बटोर के अंदर लोकेटेड है। चलिए, डैश एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हब, व्हाट डज वी स्टैंड फॉर इन VAHI? तो VAHI का AHI तो आपको बताया हुआ है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब, इसके अंदर वी का क्या मतलब है? वाराणसी, वेराइटी, वियतनाम, वडोदरा या नन ऑफ दी अबव? सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर ओवर हेयर इज वाराणसी। वाराणसी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब। ओके, ऑल राइट, ये सॉरी बेटा VAEH था, मैं वही सोच रहा था कि कुछ गड़बड़ इसके अंदर हो गई है, VAEH था। ठीक है, तो अगर किसी का क्वेश्चन ये नहीं भी समझ में आया था तो दिक्कत नहीं है, यहाँ पर न्यूज़ को समझ लो। तो बेसिकली अभी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल रीजन के अंदर ना अपेडा की असिस्टेंस के साथ ये वाराणसी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब को शुरू किया गया है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जाएगा ताकि उनके एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपेडा है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर के काम करेगा। ओके, एंड सेवरल स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि पूर्वांचल को एक डेस्टिनेशन बनाया जा सके एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स का, उसके लिए ये वाराणसी एग्री एक्सपोर्ट हब जो है इस्टेब्लिश किया गया है। ओके, नाउ अपेडा हैज आइडेंटिफाइड पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी जो कवर की जाएंगी, जिसके अंदर आपकी वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, प्रयागराज, गोरखपुर, बस्ती, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, संत रविदास नगर जो है वो आ जाएंगे, ये याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वाराणसी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेरिटरी है क्योंकि गेंजेस प्लेन फॉर्मेशन यहाँ पर है, सॉइल जो है वो रिच है, न्यूट्रिशनल सॉइल है, फर्टिलिटी अच्छी है, तो अल्टीमेटली गुड क्वालिटी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यहाँ पर हो सकता है। ओके, और वाराणसी रीजन के आसपास आपके काफ़ी सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सेंट्रल एज वेल एज इंटरनेशनल, जैसे कि आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो अल्टीमेटली ये सब मिलकर के काम करेंगे कोलेबोरेशन में आपके वाराणसी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब के अंदर, ताकि वहाँ पर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान का पहला मोबाइल प्रोसेसिंग वैन ये कौन सी स्टेट के अंदर लॉन्च हुआ था? पहला मोबाइल प्रोसेसिंग वैन, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, नन ऑफ द अबव? सो ये हुआ था बेटा आपका यूपी के अंदर, आंसर यहाँ पर हो जाएगा यूपी। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि फर्स्ट मोबाइल प्रोसेसिंग वैन जो है इंडिया का ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? ठीक है, तो KVIC ने बेटा लॉन्च किया है मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। ओके, और फार्मर्स को और बी कीपर्स को बेसिकली सपोर्ट करने के लिए। ठीक है जी, 7 जनवरी की न्यूज़ है 2022 की। KVIC के चेयरमैन जो है विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने लॉन्च किया था देश का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, और इसको लॉन्च किया गया था सिरौरा विलेज में जो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में है यूपी में। ठीक है, मोबाइल वैन को डिज़ाइन किया है KVIC ने। ठीक है, और इसको बेसिकली इन्होंने अपने मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर जो पंजो केहरा में है वहाँ पर डिज़ाइन किया है, और इसका जो कॉस्ट है 15 लाख रुपये का है। और जो ये मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है ये अप टू 300 kg ऑफ हनी को प्रोसेस कर सकती है 8 घंटे के अंदर। इस वैन के अंदर आपकी टेस्टिंग लेबोरेटरी भी है जो क्विकली क्वालिटी को भी हनी की एग्जामिन कर सकती है। नाइन्थ क्वेश्चन, एज पर द 2 vs 2 मार्केट एक्सेस एग्रीमेंट, इंडिया विल एक्सपोर्ट मैंगो एंड पोमीग्रेनेट, आम और अनार एक्सपोर्ट करेगा इंडिया US को, और US
चेरीज और डैश एक्सपोर्ट करेगा, 2-2। तो बेसिकली इंडिया ने कहा कि हम आपको दो आइटम एक्सपोर्ट करेंगे, यूएस कहता फिर हम भी आपको दो आइटम एक्सपोर्ट करेंगे, सीधा सा इन्होंने मैकेनिज्म सेट कर लिया। तो इंडिया तो मैंगो और पॉमीग्रेनेट और यूएस चेरी और क्या एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को, सेकेंड आइटम ए स्ट्रॉबेरी, बी पल्सेस, सी अल्फा अल्फा, डी बनाना या ई नन ऑफ द अबव। आंसर क्या है? आंसर होगा ऑप्शन सी अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा इज द राइट आंसर। ठीक है, अल्फा अल्फा चेरी और अल्फा अल्फा यूएस इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है जी, ओके। तो एक ज्वाइंट प्रोटोकॉल यहाँ पर सेट करेंगे कि कैसे इरेडिएशन वगैरह की जा सकती है जो मैंगो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ताकि डिजीजेज वगैरह को किल किया जा सके, और जो चेरी और अल्फा अल्फा इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है। ओके, तो सेंटर को अप्रूवल मिल चुका है मैंगो एक्सपोर्ट करने का यूएस में, और 2022 में ये माना जाता है कि 2019-20 से भी ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट होगा, और एक्सपोर्ट को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से भी बूस्ट करने की कोशिश हम करेंगे। 2017 और 20 के बीच में हमने अराउंड 3000 मेगाटन मैंगो जो है वो यूएस में एक्सपोर्ट किया था। बट ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन तो ये याद रखना है कि इन 2-2। वो ये भी पूछ सकता था कि ये 2-2 मार्केट एक्सेस एग्रीमेंट इंडिया ने किसके साथ साइन किया है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में, तो आंसर हो जाता है यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जनवरी को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, 14 जनवरी 2022 को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कौन सा फाउंडेशन डे था? 58th, 59th, 60th, 61st और 62nd। द राइट आंसर ओवर हियर इज 58th फाउंडेशन डे। ठीक है, 23 में 59th हो जाएगा, 24 में 60th हो जाएगा। तो ये तो एक बार याद करने वाली चीज होती है, फिर हर बार हर साल आप प्लस कर सकते हो, इजी सी बात होती है। ठीक है, ऑल राइट गाइस, सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। एंड हो सकता है आपको लगा हो कि सर आपने ये बहुत फास्ट इसके अंदर आप चले हो, तो बेटा इसका आइडिया ही ये है रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, कि इसको थोड़ा सा फास्ट ही चलाना था। ठीक है, इसको थोड़ा सा फास्ट इसीलिए चलाना था क्योंकि ताकि आप कम समय के अंदर मैक्सिमम कर लो, और इसी वजह से रिकॉर्डेड वर्जन में भी लेकर के आया हूँ मैं इसको। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो टेलीग्राम के ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, 9041244689 नंबर है, मेल कर सकते हो sikshit@gmail.com पर। ठीक है, PDF टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल रहेगी, टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड प्लीज डू शेयर द चैनल, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, और सब्सक्रिप्शन के लिए अपने दोस्तों से भी शेयर करें, तभी बेटा पॉसिबल होगा लॉन्ग टर्म में सेशंस को कंडक्ट कर पाना। ठीक है, चलिए, सो ठीक है गाइस, टेक केयर एंड बाय।